केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स, मैं हूं नंदन झा। बिहार में तीसरे चरण के नगर निकाय चुनाव का प्रचार थम गया। अब सभी प्रत्याशी की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही कि अब क्या होगा। अगले 48 घंटे भी नहीं बचे हैं मतदान को और सभी प्रत्याशी अब अपना घर घर जाकर, यूं कहें बैलेट पेपर के चुनावी प्रचार के अलावा, घर घर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे अगले 24 घंटे और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। प्रचार थमने के बाद क्या है उनके कार्यकर्ताओं में रोष, क्या उत्साह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग सहरसा नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी योगेश कुमार भगत के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इन कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, तो आप समझ सकते हैं महिलाओं का संख्या बल जिनके साथ ज़्यादा हो वो कैसे राज करता है अपने सत्ता पर। तो महिलाओं से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मेयर कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, किनके जैसा होना चाहिए? जैसे योगेश भगत जैसा। हाँ। काम करेंगे योगेश जी? हाँ, काम करेंगे। कौन छाप है इनका? ये सिलेंडर छाप है, 17 नंबर में है। 17 नंबर में। हाँ। किसको वोट दीजिएगा? योगेश भगत को। योगेश भगत। हाँ। किसको वोट? योगेश भगत। काय नंबर पर जानते हैं? 17 नंबर। अब ये भूल जाइएगा तो बटन कैसे दबाइएगा? नहीं, बटन दबाइए के उठा रहा है। काय नंबर पर? 17 नंबर। काय नंबर है? 17 नंबर है। 17 नंबर है सर। काम करेंगे योगेश जी? हाँ, करेंगे। 17 नंबर। अभी यहाँ बोल रहे हैं वोटो दीजिएगा। वोट दीजिएगा? लोग कहता है खाली घूम के चले जाते, वोट नहीं देंगे। वोट देंगे। किसको वोट? किसको भूल जा रहे हैं? सिलेंडर छाप। सिलेंडर छाप काय नंबर पर है? 17 नंबर पर। काय नंबर पर है सिलेंडर छाप? 17 नंबर पर है। 17 नंबर। देखिए महिलाओं को याद है 17 नंबर, जबकि कितना एंड में है 17 नंबर, याद है उस पर कौन छाप है, तो सिलेंडर छाप याद है। आप समझ सकते हैं महिलाओं का उत्साह। अगर महिलाओं के उत्साह की बात करें तो इतना ज़्यादा उत्साह है कि ये लोग को एक एक चीज़ याद है। फाइनल धान दवा ठोक के घर जाके भूल जाएंगे? नहीं, नमक रोटी खाएंगे। फोर वोट गिराएंगे। इन लोगों को विश्वास भी है जीतेगा। अब कुछ हमारे साथ पुरुष लोग भी हैं, हमारे भाई लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा मेयर होना चाहिए। का धड़कन बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई। जी जी, क्या लगता है कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर सबसे अच्छा होना चाहिए जो कि सहरसा का विकास कर सके। सहरसा का विकास कौन कर सकता? कौन कर सकता है? योगेश कुमार भगत जी हैं जो सिलेंडर छाप से उठे हैं। हाँ। और उनका क्रमांक संख्या 17 है। उन पे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे मेरे अभिभावक हो, सभी उस पे बटन दबाएंगे और उनको जिताने का प्रयास में पूरा प्रयास लगा देंगे। पूरा प्रयास, सहरसा पूरा जनता लगे हुए हैं, योगेश कुमार जी जीते और सहरसा का विकास हो। सहरसा का विकास हो, विकास कौन करेगा? योगेश कुमार भगत जी। कई नंबर पर है? ईवीएम के क्रमांक संख्या 17 पर है अंकित। याद रहेगा कि भूलिएगा? नहीं नहीं, याद रहेगा। तो ये जीतेगा योगेश कुमार भगत जी? नहीं बोलोगे? सच बोल रहा हूँ सर। कहीं और किसी का नहीं सर, योगेश कुमार भगत ही जीतेगा। किसका नाम ले रहा था? किसी का नहीं सर। किसके साथ प्रचार में था? योगेश कुमार भगत के साथ। जी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ सर, योगेश कुमार भगत ही जीतेगा 17 नंबर वार्ड गैस सिलेंडर। योगेश कुमार भगत नंबर पर, 17 नंबर क्रमांक संख्या सर। क्या लगता है मेयर कैसा होना चाहिए? योगेश कुमार भगत जैसा होना चाहिए। हमारा मेयर सहरसा का बहुत ही अच्छे होने चाहिए और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं योगेश कुमार भगत। हर वार्ड में, हर जगह कोई शादी विवाह हो या बहुत सारा पूजा पाठ फंक्शन हो या कि कोई बहुत बड़ा बड़ा जग हो, हर चीज़ में इनका योगदान रहा है।
यहाँ तक कि आज योगेश कुमार भगत के लिए इतना महिला शक्ति एकत्र हो चुके हैं कि यहाँ आके योगेश कुमार भगत का नारा लगाते जा रहे हैं। और हमारे भाई हमारे वार्ड से आए हैं योगेश कुमार भगत को जिताने के लिए, बेचारा अपना खुद पैर पे खड़ा नहीं होते, बैसाखी लेके आए हैं कि हम किसी तरह से योगेश कुमार भगत को सपोर्ट करें। और योगेश कुमार भगत का एक ऐसा चेहरा है कि पूरा ये शहर 46 वार्ड में इतना एक तत्र होकर के जिताने का कोशिश किया जा रहा है योगेश कुमार भगत को। योगेश कुमार भगत एक ऐसा चेहरा है जो हर दुख सुख में जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं। शादी हो, विवाह हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबसे पहले लोग योगेश भगत को याद करते हैं और वो उनके साथ एक दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। क्या लगता है सर? बिल्कुल योगेश कुमार भगत ही जीतेंगे। मेयर प्रत्याशी के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट का होना चाहिए जो गरीबों का दुख समस्या है उन समस्याओं पे खरा उतरे, पब्लिक की हर एक उम्मीदों को पूरा करे। जहाँ तक जो एक मेयर का जिम्मेवारी है, अपने हर जिम्मेवारी को पूरी तरह से अपना सफल बनावे। सब लोग एक ही बात कहते हैं, मेयर योगेश कुमार भगत जैसा होना चाहिए। और योगेश भगत में वो गुण हैं जो गुण किसी में नहीं। मेयर कैसा? योगेश भगत जैसा का है? इसलिए कि इनका कहना है हाँ। इनका क्या कहना है? लीक गाड़ी चले चलेगी, लिखली चले कपूत हाँ। लीक छोड़ तीनों चले हाँ। शायर शेर सपूत हाँ। ये अपना इनका प्रश्न लीक है कि मेरा सहरसा का हालात कैसा हो गया है, 20 साल से होते आ रहा है। इसके बाद इन्होंने अपना कसम खाए है कि मैं सहरसा के धरती का सेवा करके सहरसा को एक नंबर पर रामराज करा कर रखूंगा। रामराज फैला रहा, रामराज विकास होगा। कौन करेगा? ये योगेश भगत करेंगे। योगेश भगत विकास करेंगे। अब हमारे साथ प्रत्याशी भी जुड़ चुके हैं, प्रत्याशी से बात करेंगे। धड़कनें तेज हो गई होगी, हार्ट बीट तेज हो गई। किस विषय से? प्रचार थम गया है, चुनाव में मतदान में कम समय बचा है। अब तो दूर दूर जाएंगे, सबसे मिलेंगे और अपना वोट फिर मांगेंगे और बरकरार रखेंगे। जनता कह रहा है बहुत नेक दिल इंसान है, लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं, यहाँ के लिए काम करेंगे। क्या इनके विश्वास पर कितना खड़ा उतर पाएंगे? मैं निश्चित खड़ा उतरूंगा। हाँ, मैं बता दिया हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हो? हाँ, निश्चित। अच्छा, और निश्चित होगा। सड़क गली नाला का निर्माण वह सुंदर ढंग से होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सड़क नाला का निर्माण होगा। इसके अलावा पांच काम बताइए इस नगर के लिए। 4600 वार्ड में एक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी एम्बुलेंस की व्यवस्था हर वार्ड में। जी हाँ, चलिए बहुत बड़ी बात। दूसरा शिक्षा पर भी विचार की जाएगी, शिक्षा को पर भी फोकस करेंगे जी। चलिए, उसके बाद प्रयास करेंगे स्मार्ट सिटी बने मेरा सहरसा, स्मार्ट सिटी बने सहरसा, इस पर भी मैं जोर करूंगा। चौथा यानी कि वृद्धा पेंशन, आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, उसमें सब धराधर पर उतारने के लिए, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त होके मैंने सब मतदाताओं को जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। पांचवा कि मैं शहर को सुंदर बनाने के लिए मनोरंजन उम्र के हिसाब से मनोरंजन की। पांचवा कि मैं शहर को सुंदर बनाने के लिए मनोरंजन उम्र के हिसाब से मनोरंजन की व्यवस्था है, म्यूजियम की व्यवस्था करूंगा। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा एक बात है जो नगर निगम के अधीन में तो नहीं है, लेकिन नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, मेयर होने के नाते इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्या जाम की समस्या के लिए लड़ाई लड़ेंगे? जाम की समस्या के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, वह तो शायद निगम में हमको नहीं लगता है उसे नहीं है। मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिख करेंगे, निश्चित लिखूंगा। जनता से क्या अपील करेंगे, कितने नंबर पर बटन दबाएं? जनता से मैं अपील करता हूं कि 17 नंबर का बटन दबाकर गैस सिलेंडर को विजय बनाइए और अपने आप को मेयर समझिए। अपने आप को मेयर समझें और 17 नंबर पर गैस सिलेंडर छाप पर मोहर लगाकर हर जनता, हर वोटर अपने आप को मेयर समझें और सहरसा के विकास के लिए योगेश कुमार भगत को चुनें और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने की दिशा में पहल करेंगे। इसलिए योगेश कुमार भगत
को पुनः 17 नंबर सिलेंडर छाप पर बटन दबाएं और विजयी बनाएं। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल।